नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं पंचायत में, पंचायत की बात करने, पंचायत का विकास से जानने के लिए मुखिया जी से। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के शेखपुरा जिले के बड़बीघा प्रखंड के शामस बुजुर्ग पंचायत में। शामस बुजुर्ग पंचायत की मुखिया होती हैं बेबी देवी जी, उस शख्स जिनको आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए, इनका नाम पिंटू पासवान है। इस पंचायत की जो मुखिया है, शामस बुजुर्ग पंचायत की जो मुखिया है बेबी देवी जी, उनके ये कार्यवाहक एक तरह से मुखिया पढ़ने दिया, आप इनको कह सकते हैं। सारा कार्य ये देखते हैं पंचायत का कि पंचायत में किस तरीके से विकास करना है और कैसे करना है। तो आइए रुक करते हैं पिंटू कुमार जी की और जानते हैं इस पंचायत के विषय में। पहले तो पिंटू जी, आपका स्वागत हमारे चैनल। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, अभी मौजूदा हालत क्या है पंचायत की, क्या समस्या आपको आ रही है विकास करने में? सर, विकास करने में अभी बहुत सारी समस्या आ रही है। जैसे सरकार का जो बजट है वो सिक्स्थ फाइनेंस, जिसको छठा वित्त आयोग कह सकते हैं, पंद्रहवीं वित्त आयोग और छठा वित्त आयोग, लेकिन छठा वित्त आयोग में दो साल से कोई कार्यवाह नहीं हो रहा है। बजट ही ऐसा आ रहा है कि उसमें कोई काम कर नहीं सकते। कुछ विकास हो पाए कि नहीं? सर, विकास बहुत कम हुई है इस बार पंचायत में, विकास नहीं के बराबर। जो करना चाहते हैं विकास नहीं हो पाया है सर। बजट ही नहीं है सरकार के पास, तो विकास कहाँ से पाएगा। अच्छा, मुख्य रूप से क्या समस्या गिनाते हैं लोग पंचायत को लेकर? सर, सबसे पहली समस्या पानी, पानी का समस्या बहुत है। दूसरी समस्या है क्या, गली का हाल। सात निश्चय योजना में हुआ था 2015-16 में, सात निश्चय योजना से जो काम हुआ जो हुआ, इस बार तो बजट ही नहीं है। तो अच्छा, आपके हिसाब से पंचायत का विकास नहीं हो पाया अभी तक? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। मुख्य कारण क्या रहा जो पंचायत का विकास रुका हुआ? सरकार की मनमानी, हाँ, नाकामी के वजह से बहुत बजट नहीं आया। दूसरा है कि सरकार अगर मान दिए 1 लाख रुपया दिया, तो 1 लाख को 5 भाग में बांट दिए, कैसे विकास होगा? 10-10 रुपया हमको योजना होता है। अब मान लीजिए 1 लाख का योजना है, तो 1 लाख में कोई गली होगा योजना, उसको टाइट कर दिया, अनटाइट कर दिया, मेंटेनेंस कर दिया, बहुत तरह का उसमें बांट दिया, जल नल उसी में है, जल संचय उसी में है। 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपया में 20 जगह बांट दिया। अच्छा, नल जल की कैसी स्थिति? नल जल की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। कब से पीएचडी के अंतर्गत है? पीएचडी 3 महीना से पीएचडी के अंतर्गत है। पहले मुखिया के अंतर्गत? जी हाँ। अच्छा, पहले मुखिया के जो अंतर्गत था नल जल योजना, स्थिति ठीक थी कि नहीं थी? सर, मुखिया के अंदर जब रहता था तो जनता वहाँ मेरे दरवाजे पे आ जाते, थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ मुखिया जी खराबी, अपना पैसा लगा के मुखिया जी बनाते, चालू कर दिए। जब से पीएचडी में गया हालत खराब हो गई। ये देख लीजिए, हमारे पंचायत में 5 नंबर वार्ड में आज दो साल से फाइल बोरिंग है, पीएचडी किया हुआ है, आज तक उसका हम लिखते लिखते डीएम साहब को, विभाग को थक गए, अभी तक बोरिंग नहीं हो। कोई सुनने वाला नहीं है। पंचायत का विकास ना, कोई सुनने वाला नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल की स्थिति कैसी है? स्कूल की स्थिति ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। स्वास्थ्य स्थिति भी ठीक है, हाँ, उसमें ठीक है सर। पंचायती राज को लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर, पंचायती राज को लेकर कहना चाहेंगे, बजट देते हैं, बजट दीजिए, ऐसा दीजिए कि कुछ काम हो सके, ऐसा नहीं दीजिए कि 50 लाख रुपया दिए, 50 लाख रुपया में पता चला कि उसको इतना भाग में बांट दिए पैसा को कि आप यूज ही नहीं कर सकते, चाह के भी आप यूज नहीं कर सकते जी, तो क्या फायदा पैसा देने से? मुखिया का अधिकार को लेकर? मुखिया का अधिकार तो अब रहा नहीं सर, रहा नहीं। मुखिया का अधिकार अब कहाँ रहा? सोलर लाइट की जो समस्या है, सरकार से आज तक पूरा नहीं हो पाया, पूरे बिहार में कोई भी पंचायत में लगता है हमको नहीं तब पूरा हो गया। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि पंचायतों का विकास रुका हुआ है सरकार की नाकामी की वजह से? नाकामी बहुत है, नाकामी सरकार का ही वजह से तो रुका हुआ है। मुखिया जी क्या करें, मुखिया जी के पास रहा क्या, मुखिया जी को पास दिए क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, आवास योजना का लाभ मिल पाया कि नहीं मिल पाया? जी हाँ, आवास योजना का लाभ मिला है, लगभग हमारे पंचायत में 200 से 250 प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री एक बार 2 गो आया था, इस बार 14 गो आया, 14 लोगों को मिल चुका है। जी 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 जी। आपको क्या परेशानी आती है विकास करने में? सर देखिए, जिकर अपनी समस्या बताएंगे सर तो बहुत हमारे साथ, संक्षेप में सर बस इतनी जान लीजिए कि हम दलित हैं जी, दलित समाज से आते हैं, पदाधिकारी बैठे हैं फॉरवर्ड समाज से, सुनता नहीं है। अगर कोई काम पंचायत में हम करने जाते हैं तो यहाँ राजपूत बहुमूल्य क्षेत्र है सर, हमें इतना समस्या आता है कि ये लोग अगर जरी सुन भी फोन भी कर देंगे ना पदाधिकारी को कि सर देखिए मुखिया जी को वैसा काम कर रहा है उसको रोकवा दीजिए, एडीएम साहब को, वहाँ से बड़का पदाधिकारी का फोन आएगा कि पिंटू ये काम मत करो, हाँ, हम लेटर लिखेंगे डीएम साहब को
और एडीएम साहब को कोई बड़ा पदाधिकारी को कि हमारे साथ फलना आदमी ने बाधित कर रहा है सरकारी काम करने, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तब कैसा कहना कि दलित लेके मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? सर कहता है, लोग कैसे कहता है कि दलित के साथ अत्याचार नहीं होता? हम खुद झेल रहे हैं अत्याचार, बहुत झेल रहे हैं। कभी कभी लगता है कि नक्सली बन जाए, कोई विकल्प नहीं। जब मेरी बहू बेटी सलामत नहीं है, जब हम सलामत नहीं है, रास्ते में चलना, गाली देना, कमेंट करना, बहुत दो बार FIR किया मैंने। कार्तिकेय शर्मा SP थे यहाँ पे, SP बोले कि सब साला हरजन झूठ बोलता है आके कि हम पर ये करता है वो करता है। वीडियो दिखाएं, हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं, मेरे पास है। पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ बनना था, पंचायत सरकार भवन का चिन्हित कौन करता है सर? CEO साहब। CEO साहब हमको जमीन, वीडियो में क्या है? वीडियो में गाली गलौज हो रहा है, कह रहा तुम्हारा बाप के औकात नहीं है, तुम बना लेगा। आज जबकि सर वो जमीन, जो जमीन पर हम बना रहे थे, पूर्व मुखिया उस जमीन को चिन्हित किया था, हमने चिन्हित किया था पूर्व मुखिया। जब हम वो हार गए, हम जीत गए, जब हम जीत गए तो हम उसी पर नहीं बनाएंगे, जब उस पर बनाने गए तो फिर वही रंगदारी वाला रवैया है। अभी बहुत समस्या है सर, हमारे साथ में हमारे हमको बारे अगर पर्सनल पूछते हैं कि हमारी पंचायत की क्या समस्या है, तो हमारा पंचायत में यही है कि दलितों को दबाया जा रहा है। दबाया नहीं सर, अगर आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम दलित हैं तो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, बरसों बरस से यहाँ का राजपूत ही मुखिया बनते आ रहे हैं। तो भगवत और हरजन कभी नहीं गए आपके पास भाई कहने के लिए कि आप ये काम कीजिए जबरदस्ती। आप आज हम पर दबाव कहे डालते हैं कि हम ये काम करेंगे, आप ये काम करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा, और हम करेंगे तुमको करने नहीं देंगे। इस बार मैं लेटर लिखा हूँ SP साहब को कि सर अगर इस बार बर्दाश्त किया, दो दो तीन तीन बार FIR मैं किया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, इस बार या तो वो रहेगा या तो हमारे अंदर भी खून है सर, अब लड़ लेंगे, अब सक्षम है, अब लड़ लेंगे, अब हम भी मरे या तो वो मरे। चले धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पिंटू पासवान, सारी बातें उन्होंने बताई हैं, पंचायत के विषय में काफ़ी कुछ इन्होंने कहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, देखते रहिए हमारे साथ। जी पानी का बोलेंगे सरकार से कि सर अगर मेरे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे पंचायत में पानी का बहुत समस्या है, यहाँ सामस गांव में चार को बाढ़ है, चार बाढ़ में और नगर भी पड़ता है सब कुछ, बलवा पर तक नगर पड़ता है, और एक ही को नल जल है जो पुरान पूरा बड़ा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं जलमीनार, उस वो है हमारे यहाँ पानी का बहुत समस्या है, यहाँ वो बराबर खराब रहता है, अभी भी खराब है, अभी भी 10 दिन से खराब पड़ा है, हम तबाह हो गए, अपने पैसा लगा के हम उसको बनाते। अच्छा चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पिंटू पासवान जी, हम फिर मिलेंगे आपसे, देखते हैं हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क।